आई वांट टू सी हेलो प्लीज मूव दिस या आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस हॉल बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू आर यू सिटिंग हियर आर यू प्रेजेंट हियर मेंटली आल्सो इफ यस प्लीज रेज योर हैंड या गुड एक्सेलेंट नाइस टू सी एवरीबडी आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट इन द क्लास मेंटली ऑल्सो नॉट ओनली फिजिकली आई कैन सी द चिल्ड्रन बट फ्रॉम योर रिस्पॉन्स वट एवर वी विल डिस्कस वट एवर आई लास्ट यू आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स देन आई कम टू नो दैट यू आर मेंटली प्रेजेंट हेयर इज इट वेन एवर वी डू एनी थिंग विथ फुल थॉट ऑफ माइंड इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग यू नो आई एम मैथ टीचर बट वेन आई बिकेम न्यू टीचर मैथ्स टीचर जब मेरी शुरुआत हुई मैथ्स टीचर की एवरीबडी यूज टू टेल मी इवन माई स्टूडेंट्स इवन माई ओन चिल्ड्रन एट होम दे यूज टू से मम्मा आपको मैथ्स इतना अच्छा लगता था इट सीम्स यू यूज टू लाइक दिस सब्जेक्ट तो आई सेड आई वॉज लाइक यू ओनली इट्स नॉट दैट कि बहुत अच्छा लगता था ऑल सब्जेक्ट्स वर इक्वल टू मी वॉट वॉज डिफरेंट फॉर मी जिसकी वजह से आई कुड डू वेल इन मैथ्स दैट वॉज माई नॉट फियर ऑफ दिस सब्जेक्ट आई हैड नो फियर ऑफ दिस सब्जेक्ट आई डिड इट वेरी एंथुजियास्टिकली लाइक अदर सब्जेक्ट्स आई यूज टू डू इट इन अ फन वे ओके एंड एवरी डे यू हैव टू डू वट एवर मैथ्स का क्या है कि एवरी डे यू हैव टू डू अगर एवरी डे यू आर डूइंग 5 क्वेश्चन दैट इज मोर देन इनफ दैट इज द ओनली प्रैक्टिस बाकी सब्जेक्ट्स यू लर्न साइंस होता है SST होती है हिंदी होता है इंग्लिश होता है यू रीड इट यू ग्रैस्प द नॉलेज बट इन मैथ्स ओनली थिंग इज यू हैव टू मूव योर हैंड दिस इज द ओनली डिफरेंस इज इट और नॉट डू यू अग्री येस Yes. प्लीज रेज योर हैंड ओके दैट्स ग्रेट फाइन सिंस आई एम इंटरेक्टिंग विद न्यू स्टूडेंट्स टूडे आई एम वेरी एक्साइटेड And you should also be excited because we are going to discuss new topic today. So, what is the name of topic? आपके पास सबके पास sheet है. What is written there? What is the topic's name? It is number system. Okay, number system में what we are going to do? Let me tell you. Everybody look here. अभी sheet में नहीं देखना है. We'll see it later. उसमें तो questions हैं जो आपको थोड़ा सा डराएंगे. अगर आप बिना मेरे से सुने करोगे तो फर्स्ट विल डिस्कस ब्यूटिफुली देन यू विल बी एबल टू डू दोज आंसर योर सेल्फ आपने ही आंसर देना है मेरे को एंड आई नो यू विल बी एबल टू आफ्टर लिसनिंग टू मी केयरफुली बिकॉज यू आर सिटिंग हेयर मेंटली ऑल्सो फाइन बेटा लेट अस स्टार्ट सो वॉट वी आर गोइंग टू डू हेयर आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हमारा एम क्या है वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू गेन द नॉलेज ऑफ इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा हुआ है 7th में पढ़ा 8th में पढ़ा इन 9th वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेम इरेशनल नंबर अब आपका चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में तो नंबर न्यू नंबर पढ़ोगे ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर इन द न्यू क्लास तो आपने एक न्यू कंसेप्ट बनना है इरेशनल नंबर्स का ठीक है नेम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा इरेशनल पता नहीं क्या होता है तो इट्स ओके आई लेट यू नो देन टू रेकग्नाइज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स रेकग्नाइज नंबर्स को रेकग्नाइज कैसे करना है देखने से आपको कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल एक्चुअली कैन एनीवन टेल मी हाँ प्लीज आई कैन सी वन हैंड प्लीज टेल मी मैम प्लीज गिव दैट माइक टू देम एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल Any number which can be written in the form of p upon q, where q is not equal to 0. जीरो एक्सीलेंट दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रैशनल So beautiful, you spoke very well and correctly. And in otherwise, in daily use, in our daily routine, rational, what do you mean by rational? Rational means कि अगर मैं आपको कोई concept बता रही हूँ, कोई formula बता रही हूँ, maths में कुछ बता रही हूँ कि ऐसा होता है. And I'm telling you the reason also कि क्यों होता है. चाहे मैं graphically draw करूँ, चाहे मैं उसको कोई example देके करूँ, चाहे आपकी daily life से उसको relate करके करूँ, अगर मैं proper उसका reasoning दे रही हूँ तो यू विल से यस दिस इज रैशनल एक्सप्लेनेशन ओके
किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलती है, किसी भी सेंटेंस की, किसी फॉर्मूला की, किसी वर्ड की, किसी भी रिलेट करके आप बोलोगे ओ दिस इज रैशनल एक्सप्लेनेशन। रैशनल एक्सप्लेनेशन मींस कि इसका एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि हाउ टू रिलेट, हाउ टू इट इज लॉजिकल रीजनिंग क्या है इसका, इसके पीछे, इस बात के पीछे। इज इट ओके? दैट इज रैशनल। एंड इरेशनल विच हैज नो लॉजिक। इफ आई टेल यू कि लर्न इट इन दिस वे, ओके आई डोंट नो द रीजन बट यू लर्न इट इन दिस वे। घर में कोई बात होती है, आप बोलोगे कि पापा आई डोंट नो, मैंने बस बोल दिया सो बोल दिया। सो इट इज इरेशनल एक्सप्लेनेशन, इज इट और नॉट? डू यू एग्री? तो इन मैथमेटिक्स हम उसको डेफिनेशन फॉर्म में करते हैं। डेफिनेशन उसने करेक्टली बताई कि रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता, नेवर। पूरा मैथमेटिक्स आप पीएचडी भी कर लोगे तब भी बोलोगे कि डिनोमिनेटर में जीरो इज नेवर देयर, इट इज नॉट डिफाइंड थिंग। इज इट अंडरस्टूड? फाइन। नाउ टू अंडरस्टैंड द टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज टर्मिनेटिंग? विच स्टॉप्स एट सम टाइम। कोई गाड़ी चल रही है, अगर वो कहीं स्टॉप होती है तो हम बोलेंगे वो टर्मिनेट हो गई है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकी नहीं रही है, चलती ही जा रही है, देर इज नो एंड टू इट, हमें पता ही नहीं इसका स्टॉप कहाँ है। जैसे नंबर लाइन है, डू यू नो द एंड ऑफ नंबर लाइन? यस और नो? नो, एवरीबडी इज नोडिंग, आई नो, आई कैन सी योर हेड। यू डोंट नो वट इज द एंड ऑफ दैट्स नंबर लाइन, सो दे आर इंफिनिटली गोइंग ऑन एंड वी विल से दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज रैकरिंग। रैकरिंग मीन्स रिपीटिंग, ओके रिपीटिंग, थ्री 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 रिपीट होता जा रहा है। कैन यू सी दिस? दिस इज रैकरिंग। रैकरिंग मीन्स रिपीटिंग। आपकी मैथ्स की बुक में ये वर्ड भी है, जो एक वर्ड रिपीट होता जा रहा है, थ्री 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 आता ही जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ओके वी शुड स्टॉप आर डिविजन, अब ये थ्री 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 रिपीट ही होता जाएगा। अंडरस्टूड है वो? अंडरस्टूड है। इट इज नॉट दैट कि 10 करेंगे तो उसके बाद और आ जाएगा, 5 6 के बाद अंडरस्टूड होता है कि थ्री 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 रिपीट होता जा रहा है और वो रेकरिंग है। ठीक है, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग मीन्स कि इट इज गोइंग ऑन बट नॉट द सेम नंबर। जस्ट लाइक 0.41427983 डैश 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 चलता ही जा रहा है, कोई भी नंबर आता जा रहा है, 1 to 9 कोई भी डिजिट आता जा रहा है, तो वो नॉन रेकरिंग होगा, क्योंकि उसकी कोई वो नहीं है कि रिकग्निशन नहीं, आई डोंट नो कि वो किस फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है आगे। कभी 9 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग। ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग द डेसिमल्स इन पी बाय क्यू फॉर्म। आपको पता है कोई भी डेसिमल हो, चाहे नॉन रेकरिंग है, चाहे रेकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम उसमें करेंगे पी बाय क्यू की फॉर्म में। फाइन। देन लोकेटिंग स्क्वायर रूट नंबर्स ऑफ द नंबर लाइन। आपने पढ़ा है कि एट क्लास यू हैव रेड कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, देर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, पढ़ा है ना आपने? यस और नो? गुड। सो नाउ इन नाइन्थ यू आर स्टडिंग दैट देर आर इरेशनल नंबर्स ऑल्सो। अगर 1/4 एंड 1/2, देर आर टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 1/4 एंड 1/2, तो उन दोनों के बीच में देर आर इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स ऑल्सो, जो कि आपके कम यूज होते हैं मैथ्स में। ओके, जो आपने पढ़ा था कि इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं कि इन्फिनिट के बाद होने के बाद भी देर आर टाइनी टाइनी गैप्स विच आर फिल्ड बाय इरेशनल नंबर्स। जैसे आपका क्लॉथ होता है, एक कपड़ा है, कपड़े को आप देखोगे यार इसमें तो मतलब कि कपड़ा बना हुआ है आपको दिख रहा है, वो किससे बना है? कॉटन थ्रेड से बना है। अब कॉटन थ्रेड के कितने ज्यादा स्ट्रैंड्स हैं उसके अंदर, कितने ज्यादा कॉटन, आप इमेजिन कि एक थ्रेड निकालोगे, दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे, निकालते ही रहोगे, सो डीपली इनसाइड, इज इट और नॉट? तो दैट वे रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं विच आर हार्डली यूज्ड। अब आप बड़े हो गए हो इसलिए हमने उसको आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज रिलेटेड विद रियल लाइफ ऑल्सो, हाउ आई टेल यू। नेक्स्ट इज वॉट यू आर गोइंग टू लर्न टूडे, वट आर द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स मीन्स कि आपको या क्या पता चलने वाला है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट रियल नंबर्स। आपका नंबर सिस्टम है तो आपको पता चलेगा कि रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स।
टुडे ऑनवर्ड्स 10th 11th 12th जितने भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, अब आप रियल नंबर के बारे में पढ़ोगे, नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पढ़ोगे, वो होल नंबर नहीं पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली वो उसके बीच में ही है, इज इट और नॉट? तो रियल नंबर्स जब पढ़ोगे तो रियल नंबर का मतलब क्या है कि उसमें रैशनल भी आएंगे इरैशनल भी आएंगे, इज इट ओके? दिस अ न्यू नेम फॉर यू बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप, ओके? नाउ रिलेट डेसिमल्स विद रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, कैसे उसको रिलेट करना है आपको पता कैसे चलेगा कि डेसिमल को देख के कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, सिर्फ देखना है उसको, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को. देन पी बाय क्यू फॉर्म ऑफ डेसिमल्स आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, देन रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. रैशनल नंबर तो आपने किया ही ऑलरेडी 8th में, अभी आप इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन भी करेंगे, ठीक है? सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी शो यू. सो दीज आर ऑल रियल नंबर्स. वेन देर इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, जो आपने ऑलरेडी स्मॉल क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दिस इज अ डिफरेंट बॉक्स. वाई डिफरेंट बॉक्स? कैन एनी वन टेल मी वाई इरेशनल के डिफरेंट बॉक्स क्यों है और इसका डिफरेंट बॉक्स क्यों है? प्लीज रेज योर हैंड, एनी वन? या प्लीज स्टैंड अप. चिराग, कैन यू मैम, आंसर? एवरी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आर इरेशनल. मैम, बिकॉज प्लीज रिपीट बेटा. बिकॉज ऑल होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स. आर नॉट इरेशनल, यस, उनकी बिल्कुल टोटली, प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड, उनकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए उनको अलग से एक बबल में डाल दिया है, एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू इच अदर, इसलिए एक ही बबल के अंदर, फिर छोटा 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 बबल सारे एक ही बबल के, बिग बबल के अंदर छोटे छोटे बबल्स डाले हैं, क्योंकि उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए वो सेपरेट एक बबल बन गया, बिगर फैमिली एक बन गई रैशनल नंबर्स की. सिमिलरली जो इरेशनल नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी हाउ. तो उसका जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी शक्ल भी डिफरेंट होती है, यू नो ऐसे नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं जैसे स्क्वायर रूट 3 हो गया, जिसके आप फैक्टर्स नहीं बना सकते. 3 के फैक्टर्स बना सकते हो? नो. और स्क्वायर रूट 4 के फैक्टर्स बना सकते हो? व्हाट इज स्क्वायर रूट 4? एनी वन कैन डू? एनी वन, व्हाट इज स्क्वायर रूट 4? 1 square of 2. 2. Why it is 2? Because we can write 4 as 2 square square root. 4 के फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स जो है वो 2 इससे कैंसिल हो जाता है एंड आंसर इज 2. सो इट इज रैशनल, इसके फैक्टर्स बनते हैं इसलिए इसे इट इज रैशनल नंबर, 4 इज रैशनल नंबर. बट व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट 7? कैन यू राइट द फैक्टर्स ऑफ 7? नो, 7 डज नॉट कम इन एनी टेबल, 5 डज नॉट कम इन एनी टेबल, 11 डज नॉट कम इन एनी टेबल. सो दीज आर कॉल्ड द नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर कहलाता है. कैन यू गेस फ्रॉम दीज नंबर की वो नंबर्स कैसे हैं? स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, कैसे नंबर है वो? 3, 5, 7, व्हाट डू वी कॉल इट? आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा. एनी वन, आई कैन सी योर चाइल्ड रेजिंग हिज हैंड. या ब्यूटिफुल, प्राइम एक्सीलेंट. आई वॉन्ट यू टू हियर दिस ओनली, दीज आर प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर्स नहीं होते, इसलिए उनका स्क्वायर रूट नहीं रिमूव हो सकता, इसलिए दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. उनकी पहचान ही अलग है, उनकी क्वालिटी सेपरेट है, ठीक है? तो आपको एक रिकॉग्निशन होगी कि ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट नहीं रिमूव कर सकते, दे विल एग्जिस्ट लाइक दिस ओनली हमेशा के लिए, तो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. एंड दूसरी पहचान क्या है? अदर पहचान इज कि आपने अपनी डेफिनेशन पढ़ी है मैथ्स की बुक में कि वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इस फॉर्म में हम कभी भी उसको लिख ही नहीं सकते. रैशनल और इरेशनल को डिफरेंशिएट करने का यही आपकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में है कि रैशनल कैन बी रिटन एज पी बाय क्यू फॉर्म, बट इरेशनल कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, उसकी बात ही खत्म हो गई, ठीक है? और थर्ड पहचान क्या है? टू रिकग्निशन हो गई कि वो इरेशनल नंबर है. थर्ड पहचान क्या है आपकी कि वो जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? अगर हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू कि जब जैसे स्क्वायर 0.1, अच्छा आई विल टेल यू, कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं, लेट मी शो यू नेक्स्ट हेयर, कैन यू सी हेयर डिवीजन? आई एम डिवाइडिंग 5 बाय 6, हेयर आई एम डिवाइडिंग 5
बाय। या कैन यू सी हियर बेटे, 5 इज डिवाइडेड बाय 6। आई एम डिवाइडिंग 5 बाय 6। व्हेन आई डिवाइड 5 बाय 6, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, आपने डिवीजन ऑलरेडी लोअर क्लासेस में सीखी हुई है, ठीक है। व्हेन आई स्टार्ट डिवाइडिंग इट तो क्या होगा, आई स्टार्ट बाय 0 बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 6, दैट आप यू नो, देन आई पुट डेसिमल 0 0 0 यहाँ पे लेने पड़ेंगे। एंड आई स्टार्ट हियर बाय 8 48, देन बाय 3 18 बाय 3 18 बाय 3 18। आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 20 20 20 इज गोइंग ऑन, नीचे चलता ही जाएगा, इट विल नेवर एंड। कैन यू सी दिस रिविजन वेरी क्लियरली? यस यस ओके गुड। सो हियर ऑल्सो रिमाइंडर इज ऑल्सो कीप गोइंग डाउनवर्ड्स एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कीप गोइंग, देर इज नो एंड। 20 20 20 रिपीट होता जा रहा है और इधर 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है। तो सच नंबर्स व्हेन द आंसर इज 0.83333333 रिपीट होता जा रहा है, वी राइट इट एज 0.83 बार। यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कि कोई भी चीज है हम उसको सिंबल या नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। डू यू लाइक दिस? आई लाइक इट वेरी मच। व्हाई आई लव मैथ्स? बिकॉज वट एवर नॉलेज वी हैव, वट एवर वी स्पीक अबाउट, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाई अ सिंपल दैट साइन और नंबर। एक आप एडिशन का साइन लगा दो, यू विल कम टू नो कि समथिंग इज एडिंग। एक आप सिंपल सा डिवीजन का साइन लगा दो, आपको पता चलेगा सर वी आर डिवाइडिंग समथिंग, इज इट और नॉट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आई लव मैथ्स बिकॉज वी हैव टू राइट लिटिल एंड थिंक मोर। ओके, मेंटली आपको ज्यादा सोचना है एंड लिखना कम है, एंड दिस इज अ ब्यूटी, दिस दिस इज अ वे आई वे ऑफ लाइकिंग। ओके एंड दिस इज ओके। हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वी पुट बार हियर? बार मीन्स कि इट इज 3 3 3 3 3 इज कीप रिपीटिंग। ओके सो हियर कैन यू सी इट इज 0.1 बार? प्लीज रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट इज 1 बार। या अच्छा रिहांश, नाइट जस्मिन, आर यू देयर रिहांश? वन इज रिपीटिंग इन द हु इज स्पीकिंग? आई वॉन्ट टू सी योर फेस ऑल्सो, प्लीज स्टैंड। बार मीन्स दैट वन इज रिपीटिंग इन द डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट विल नॉट एंड नो मैटर व्हाट यू डू। या ब्यूटीफुल, वन इज कीप रिपीटिंग, सो वी पुट बार ऑन दैट। हियर बार इज ओनली ऑन 2, नॉट ऑन 1। कैन यू सी हियर 0.12? 0.12 इज देयर, यस आई अग्री, बट बार इज ओनली ऑन 2, नॉट ऑन 1। वट डू मीन बाय दैट? यस आई कैन सी अपनी प्राइड ऑफ इंडिया, कैन आई हियर यू? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम गर्ल्स ऑल्सो। अवनी आर यू देयर? कैन यू टेल मी वट नंबर इज रिपीटिंग हियर विदाउट सीइंग ऑन द राइट हैंड साइड? इफ बार इज ऑन ओनली 2, 12 इज रिपीटिंग और 2 इज रिपीटिंग? ओके कैन आई आस्क एनी अदर चाइल्ड इफ अवनी इज नॉट देयर? मैम इट जिया टू इज रिपीटिंग हु स्पोक, प्लीज स्टैंड। यस यस यस, वट इज योर नेम? वट इज योर गुड नेम? अभी चौहान मैम। ओके गुड, अवनी, ब्यूटिफुल नेम एंड ब्यूटिफुल आंसर ऑल्सो। आई वॉन्ट टू हियर इट अगेन, वट डिड यू से? प्लीज स्टैंड। यस यस प्लीज, यस मैम। यस व्हाट डिड यू से बेटा? बार इज ऑन 2 और ओनली ऑन 12? ओनली मैम टू ओनली 2, ओके सो व्हाट विल रिपीट, 12 और मैम। 2? ओनली 2, ओनली 2 विल यस रिपीट ना, है ना, बिकॉज जिसके ऊपर बार है वही रिपीट होगा, 12 नहीं रिपीट होगा। 12 का 1 जो है वो फिक्स हो गया, 1 इज फिक्स। थैंक यू सो मच। सिट बेटा, एनी डाउट टिल हियर बेटा? कैन यू सी बार उसके ऊपर लगाते हैं जो नंबर रिपीट होगा, इट कुड बी ऑन 3 नंबर्स, इट कुड बी ऑन 2 नंबर्स, इट कुड बी ऑन 1 ऑल्सो। ओके व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर दीज? हु विल टेल मी? दे आर कीप रिपीटिंग एंड नेम ऑफ सच नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी कॉल इट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, ओके, बिकॉज आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जो आपकी क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि मैथ्स की आपको ये लैंग्वेज है रैकरिंग, रैकरिंग मीन्स रिपीटिंग, यू नो द, यू नो, कई बार होता है ऐसा कॉम्पिटिशन में। वाई? क्योंकि हमें दोनों नेम पता होना चाहिए,
आफ्टर रीचिंग होम यू कम टू नो आई डिडंट नो कि रैकलिंग भी बोलते हैं इसको, इज इट नॉट? सो प्लीज लर्न दीज न्यू नेम्स. सो वॉट इज रिपीटिंग? इट इज रैकलिंग. सो आई विल कॉल इट, ही टोल्ड मी, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, एंड रैकलिंग बिकॉज इट इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. थ्री नंबर रिपीट ही होते जा रहे हैं सेम. आई कैन सी योर हैंड एट द लास्ट वन बॉय. I'm not terminating and नॉन repeating. टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक्सेलेंट, बिकॉज 1 2 3 रिपीट हो रहा है एंड सेम इज दिस वन. ओके फाइन, ब्यूटिफुल. सो वट इज द समरी ऑफ द डिस्कशन, जो जो हमने, मैंने आपको ओरली बताया और आपने मेरे को आंसर्स बताया, उसकी समरी क्या है? उसकी ये समरी है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल आर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग ऑल्सो, दे आर टर्मिनेटिंग एंड दे आर रैकरिंग. ओके, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. कैन यू सी योर एरोज? कैन यू रीड द एरोज? वेयर आर दे गोइंग? रैशनल नंबर इज रिलेटेड टू टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप होगी डिविजन, ठीक है, इसके बाद हमारी रिमाइंडर जीरो आ गया एंड स्टोरी इज ओवर. और यहाँ चलता जा रहा है और क्वेश्चन भी चलता जा रहा है. तो हमारी रैशनल नंबर की टू प्रॉपर्टीज होगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग. इट कम्स इन फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में आता है. प्लीज लर्न दीज नेम्स. इसके थ्री नेम्स हैं आपके पास, रैशनल के बारे में थ्री नेम्स हैं. वॉट ऑल? टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नाउ वट अबाउट दिस इरेशनल नंबर्स? दीज आर इरेशनल नंबर्स. इरेशनल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रियल लाइफ से कि दे आर विदाउट एनी रीजन, आप बोलोगे कि नहीं ऐसा ही होता है. तो ये डिविजन हो गए थे कि आई डोंट नो, ये चलता जा रहा है, कभी आप कभी डाउन, आई डोंट नो वाई, मतलब दिस इज, आई डोंट हैव एनी रीजन, सो दिस इज इरेशनल. कोई सेंस ही नहीं बन रही, कभी नाइन आ रहा है कभी सेवन आ रहा है. जब आप डिवाइड करोगे आप खुद ही बोलोगे ओहो दिस व्हाट इज नॉनसेंस, दिस कीप गोइंग, बोर हो गए हैं करते करते. तो ये इरेशनल नंबर कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, यू गेट इरिटेटेड समटाइम. तो दिस दीज नंबर्स आर कॉल्ड दिस इरेशनल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रैकरिंग भी हैं. एनी डाउट टिल हेयर बेटा, बिकॉज वी हैव टू डू क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप? एवरीथिंग इज क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर रैशनल नंबर की थ्री प्रॉपर्टीज हैं, टर्मिनेटिंग, ओके, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. एनी एनीथिंग, एनी डाउट? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर एनी एनी वन हु हैज डाउट, प्लीज स्टैंड एंड आस्क. इट मीन्स इट इज क्लियर, दैट्स ग्रेट, नाइस टू सी everybody, and we'll discuss it. We are going to start questions. And irrational, irrational means non-recurring, non-terminating. Non-terminating to pata chali gaya aapko, to wo non, uski two properties hain, this one and this one. Is it clear beta? Let us start module 1. You can see here also, it's okay, I'm giving you hint also. Let us do, please open this module. Everybody has got the page. Module 1, case study. As a part of class activity, teacher wrote following numbers on the board. Can you see numbers? Decimal numbers. 23.434343. सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखो, सारे नंबर्स नहीं देखने, कंफ्यूज नहीं होना है. जब मैथ्स का पेपर आता है ना, जो जो क्वेश्चन आप कर रहे होते हो, फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट का पार्ट कोई कर रहे हो, उसको फोकस करो, डाइव इनटू द क्वेश्चन, ग्लांस उसको केयरफुली डाइव इनटू द क्वेश्चन कि वो कैसे नंबर्स हैं, रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि आपने इसका आंसर देना है कि वो कैसा डेसिमल है, आपको पहचान करनी है. इट इज 23.434343433. जब आप मुंह से बोलोगे, लिपसिंग करोगे, इट्स नॉट दैट कि नॉइज करनी है बोल के, यू हैव टू लिपसिंग, टू डू लिपसिंग, योर माइंड में यू विल स्पीक, तो यू विल कम टू नो कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है. सबसे पहले Anyone? Girish from Gulmohar section. Please stand. Yeah, I can see your hand. Please stand and tell me. What kind of number is this? This decimal, 23.4343. This is recurring or... I'm recurring number. This is? Recurring number. Recurring. Then irrational or rational? Rational. Why? Ma'am, because it is repeating and non-terminating. Yeah, beautiful. It is repeating.
ओके रिपीट तो हो ही रहा है एंड नॉन रेकरिंग, सॉरी रिपीटिंग तो हो ही रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको इस क्लास में लेके आएंगे. इन दिस इज इट, यू हैव टू क्लासेस नाउ, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली. सो दिस इज रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज 0.235, बार इज ऑन 3 5, बार शोज कि वो नंबर 3 5 3 5 रिपीट होता जा रहा है. ओके हार्दिक फ्रॉम सेक्शन ब्लू, हार्दिक इज सिटिंग हियर. या प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ नंबर, रैशनल और इरेशनल? रैशनल रैशनल. रीजन? यस यस प्लीज टेल मी, यू योर आंसर इज वेरी करेक्ट. प्लीज टेल मी, जब आप रीजन नहीं दोगे तो फिर इसका मतलब कि वो इनकम्प्लीट नॉलेज है. मेरे को रैशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपकी. रैशनल एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को रीजन भी चाहिए. ब्यूटिफुल. हु इज टेलिंग मी रैशनल क्यों है? क्योंकि वो इस क्लास में आ रहा है, क्योंकि वो रिपीट भी हो रहा है और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, सेम ही मैम, रिपीट तो होता जा रहा टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। है. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. आपको नॉलेज तो है ही है, बट आपको एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज डेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू योर क्लास. इज इट ओके? दिस इज रैशनल नंबर एंड विद रीजन, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग. रैकरिंग मीन्स रिपीटिंग. ओके ऑल राइट, रेस्ट ऑल आर गुड. स्क्वायर रूट 5, दिस इज न्यू नंबर फॉर यू. स्क्वायर रूट 5. यस आई कैन सी वन गर्ल रेजिंग हर हैंड मैम आपके पीछे. या स्क्वायर रूट 5, मेरे को ये पता चल, इसको 5 को देख के मेरे को लग रहा है कि इसके फैक्टर्स तो बनते नहीं है, ये श्रेणी मैम का थोड़ा नंबर है. यस इट इज इरेशनल इरेशनल नंबर. व्हाई? रीजन? नंबर मैम, बिकॉज रूट 5 के कोई फैक्टर नहीं बन सकते. बिकॉज 5 के कोई फैक्टर नहीं बन सकते, रूट के अंदर जो नंबर है उसके फैक्टर्स कुछ नहीं बन सकते कभी भी, इसलिए तो वो रूट उसका कभी हटेगा ही नहीं, इसलिए वो इरेशनल नंबर है. ठीक है, सो दीज आर सच नंबर्स बेटा. एंड नेक्स्ट यू कैन सी पाई, देयर इज पाई, वन वर्ड इज पाई. हैव यू हर्ड दिस नेम? आपने यूज किया है कभी इसको? सर्कमफेरेंस जब आपने निकाला होगा तब यूज किया होगा पाई, यू नो सर्कमफेरेंस फॉर्मूला 2 पाई आर, यू नो ना पाई यूज किया आपने. तो दिस पाई नंबर विच इज 22/7, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, एवरीबडी नोज. डू यू नो? प्लीज रेज योर हैंड, यस और नो? यस यू नो, दिस पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. वाई? आई टेल यू नाउ. सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ पाई, डिविजन ऑफ पाई. पाई इज 22/7, जब उसको आप डिवाइड करोगे दिस काइंड ऑफ डिविजन, दिस काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल कम. आपको लग रहा है कि इसकी कोई सेंस बन रही है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की? मीनिंगलेस लग रहा है आपको? कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं आ रहा है इसका? कुछ ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट होता जाए, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है? तो सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. सो पाई इज एन इरेशनल नंबर. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? डू यू अग्री वाई पाई इज इरेशनल? प्लीज रेज योर हैंड. डू यू अग्री? यस. इफ इफ यस प्लीज रेज योर हैंड. ओके इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल रहा है कि दिस इज इरेशनल नंबर एंड दिस इज वेरी वेरी फेमस इरेशनल नंबर. वाई फेमस? बिकॉज इसलिए इसका ये मोस्ट, यू नो इंटरनेशनल पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च को. जैसे आपको फादर्स डे होता है, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हो, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हो, वैसे पाई डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 14th of March. ओके सो दिस इज वेरी फेमस इरेशनल नंबर, जो कि थोड़ा सा आपको यस मैम आई वॉन्ट टू हियर. हेलो यस मैम, मैम, 22/7, वी टेक द वैल्यू ऑफ दिस एज ए पाई, बट 22/7 इज नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ पाई, वी टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली. यस यस तो अप्रोक्सीमेटली वी टेक. या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात के लिए कि पाई की वैल्यू 22/7 है, और मैं यही इतनी कंफ्यूजन हूँ गेटिंग पाई यस यस एक्चुअली यस एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. And यस 22/7
upon 7 and 3.14 are the approximate value in a Yes. rational number we have taken. Yes. Is it? Yes, ma'am. Yes. So 22 upon 7 is not binary. 22 upon 7. See, yes, ma'am. You are very much right. You are very Not much right. Yeah, binary. thank you. Thank you, ma'am. So, in maths, you have seen in books that it is represented by pi ki value. It is given already. Actually, aapki jo books mein hota hai, pi ki value, it is given approximately 3.14. You must have seen in the books ki pi is, when question is written over there, you write it as, when question is given, aapki jab choti classes mein shuru hua tha, so you used to write this as approximate value of pi is 3.14 jab aap calculate karte ho, hai na? So you can't use the whole number like this as an irrational number, but you use it as approximate value 3.14, which is fixed for your class. Okay, now next is we are going to show the rational number, how to represent this decimal numbers in P by Q form. Okay. Yeah. Here, the numbers are 0.6 bar. 0.6 bar. 6 bar means 6 is keep repeating. Okay. So here, you take the number as 0.6 bar means 0.666. It is keep going. We have to represent in the form of P by Q. Okay. So what is the method? To find it in the form of P by Q, we suppose it as X first. We write it as X. Then we multiply it by 10. Why we multiply it by 10? Yeah, I can see your hands. Yes, anyone? Ma'am, please mic do inko. Because it is the number of repeating digits. One decimal. Because the bar is on one number. When bar is on one number, we multiply it by 10. When bar is on two numbers, suppose it is 0.61, both the numbers, then we multiply it by 100. Okay, first we wrote x is equal to this, then we did 10 into x. Jab kisi bhi decimal number ko 10 se multiply karte ho, to decimal shifted. 0.666 hai, to ab isko jab 10 se multiply karoge, it will shift it to 06.666 and so on. So decimal will go on the right side. Do you know this or not? Okay, so we multiply it by 10 and then subtract these two numbers. This is 1. This is 2. Okay. We subtract 2 from 1. 2 minus 1. 1 from 2. Then it will be 10x minus x will be equal to this. After subtracting, we come to know that 9x will be equal to 6. Do you know how it has come? 6.66 and so on is equal to 0.66 and so on. When you will subtract it, it will become 6.0. Is it or not? So after subtracting, we get 6 and x you can represent as 6 upon 9. So this is a representation of 0.6 bar. You can represent rational 0.6 bar in the form of P by Q. Jo decimal expansion thi, usko aapne P by Q form mein likh diya. Okay, after cutting it, you come to know it is 2 by 3. So decimal representation can be represented in the form of P by Q. There is question also in your assignment. Please see below that, jo abhi humne question kiye the. Third question, rational number corresponding to 23.434343. Ispe kaun sa number repeat ho raha hai?
23.43433, तो 43 के ऊपर आपका 12 आ रहा है. सो कैन यू टेल मी इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे या 100 से करोगे? व्हेन यू विल स्टार्ट इट? या एनीवन? आदित्य फ्रॉम प्राइड ऑफ इंडिया? 100. 100. व्हाई? बिकॉज बार इज ऑन टू नंबर्स एंड सेम प्रोसेस यू हैव टू डू आफ्टर डूइंग एंड यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड आंसर इज 2320 अपॉन 99. ठीक है, व्हेन यू विल डिवाइड इट प्लीज डू एट होम इन द सेम वे. ठीक है, प्रोसेस इज सेम. 100 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया एंड द आंसर यू विल गेट इट विल बी 2320 बाय 99. ए इज द ऑप्शन. ओके, लेट अस गो टू असर्शन रीजन क्वेश्चंस बिलो. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन. सो सारे नंबर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, इट इज ट्रू. या तो वो रैशनल होगा या वो इरैशनल होगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड इज इरैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, उसको नंबर लाइन पे हम नहीं फॉल्स. रिप्रेजेंट करते. यस और नो, इट इज ट्रू और फॉल्स? अच्छा, फॉल्स. यू नो इट, ये तो आपने सीख ही लिया है. सो ऑप्शन विल मैच इट इट विद सी विच इज कि वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. सो व्हाट इज मैचिंग विद इट? सी ऑप्शन इज मैचिंग विद इट. सेकेंड इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज ओनली टर्मिनेटिंग, ओनली टर्मिनेटिंग होती है इसकी रैशनल नंबर की. नो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ऑल्सो. ओके, सो इट इज फॉल्स. सो दिस इज द वे वी विल डू दीज ऑल रीजन क्वेश्चन एंड असर्शन क्वेश्चन. प्लीज ट्राई एट होम. यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल. प्लीज ट्राई एट होम एंड लेट मी नो योर आंसर्स नेक्स्ट टाइम. ओके, सो लेट मी टेल यू नाउ वट इज द यूटिलिटी ऑफ दीज रैशनल नंबर्स. For the other subjects, how do we connect these rational numbers with other subjects? See, rational number when we connect it with biology, bio में you know that splitting of bacteria, आपने पढ़ा होगा ये science में पढ़ा था कि yeast जो होता है, yeast कैसे spread होता है, how it grows. पहले इसका single cell होता है. Have you read in science कि yeast की एक छोटी सी ऐसी shape होती है, तो by time धीरे 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 एक और सेल इसका बैक्टीरिया बन जाता है, एक और बन जाता है, देन एक और आ जाता है इसके ऊपर. तो इट कीप्स ग्रोइंग बाय टाइम. ओके, सो इट कीप्स ग्रोइंग एंड इट्स इज अ बायोलॉजिकल यू नो मीनिंग ऑफ दैट कि स्प्लिटिंग ऑफ बैक्टीरिया. पहले एक था, फिर सिंगल था, फिर टू टू टाइम्स हो गया, फिर 8 टाइम्स हो गया, 18 टाइम्स हो गया, तो वो ग्रो करता गया. ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग प्रोसेस है बाय टाइम, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. ई जो है ये भी पाई की तरह एक इरेशनल नंबर है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जो आप बस थोड़ी सी इन्हें क्लासेस में पढ़ोगे. एंड देन इट इज वायरल इन्फेक्शन. जब आपने देखा कोविड-19 में कैसे वायरल इन्फेक्शन, पहले आप टीवी पे देखते थे कि पहले उसकी शेप ऐसी थी, फिर थोड़ा और स्प्रेड हुआ, फिर और स्प्रेड हुआ, तो कैसे वायरस इन्फेक्शन फैलता जा रहा था बाय टाइम, और आफ्टर 1 ईयर फिर वो स्मॉल होता गया. ठीक है, तो सच नंबर्स यू रीड इन बाय ग्राफ. ग्राफ के ऊपर आप ऐसे इसकी रीडिंग पढ़ते हो, कभी ग्रो हो गया, कभी स्मॉल हो गया, कभी और बड़ा हो गया. तो दिस वे ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, जो कि हमारा इरेशनल नंबर होता है पाई की तरह, विच यू विल रीड इन सीनियर क्लासेस एंड दिस इज वेरी यूजफुल इन बायो ऑल्सो. हाउ डू यू यूज इरेशनल नंबर्स इन बायोलॉजी? ओके, दे आर इंटरकनेक्टेड. सो एनी डाउट बेटा? आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. एनी डाउट एनी वन? सो गुड डे, बेस्ट विशेस. प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चन एट होम. ओके बेटा, इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर. सो थैंक यू.
which we breathe, the air we breathe, that is matter. The anything which we drink, that is matter. In fact, जरूरी नहीं कि जो आपको चीजें दिख रही हैं वही मैटर है. हमारे यूनिवर्स में 96%, ऑलमोस्ट 96% हमारे यूनिवर्स का विजिबल नहीं है, बिकॉज आप एयर को देख नहीं सकते, बट यस यू कैन फील इट. एयर में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. आप बता सकते हो एयर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं? कैन एनीबडी टेल मी? प्लीज रेज योर हैंड. यस मैम, प्लीज माइक दीजिएगा किसी को. नाइट्रोजन, यस, ऑक्सीजन, व्हाट एल्स? मीथेन. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, वन मोर क्वेश्चन. 28% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस. 1% ऑक्सीजन. 21% ऑक्सीजन. 21%. ओके फाइन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. कैन एनीबडी टेल मी स्टेट्स ऑफ मैटर? टोटल कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर पूरे हमारे प्रेजेंट हैं? यस, सॉलिड लिक्विड गैस. सॉलिड लिक्विड गैस. डू यू नो देयर अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो? व्हाट आर दोस? प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन. ओके, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन. कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट प्लाज्मा स्टेट, एनीबडी ऑफ यू? प्लाज्मा कंटेन्स सुपर एक्साइटेड और सुपर चार्ज पार्टिकल्स. दे आर मेनली यूज्ड इन नियॉन लाइट्स. Superb. And what about Bose Einstein state? Bose Einstein condensate was made by American scientist Bose and Albert Einstein. They made a particle which is made by cooling a super low density air. Okay, very good beta, please sit. Fine. So इस chapter में we are going to do few topics जिसमें हम मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. प्रॉपर्टीज में हम उसका देखेंगे फिजिकल नेचर कैसा है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दोज पार्टिकल्स, व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन दोज पार्टिकल्स, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू दे शो. राइट, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव हमारा मैटर को पढ़ने के बारे में, कि सॉलिड लिक्विड गैस हम डिटेल में पढ़ेंगे. प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, यू जस्ट नीड टू नो जितना स्टूडेंट ने बताया, दैट इज इनफ. मगर सॉलिड लिक्विड गैस जो हमारी डेली लाइफ में हर चीज में प्रेजेंट है, उसकी आपको डिटेल्ड प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. ठीक है, और जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो, यू एक्चुअली नो कि अगर कोई सॉलिड चीज है तो वो कैसी होगी, क्या वो कंप्रेस हो पाएगी, क्या उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर पाएंगे. ठीक है, आप उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सॉलिड है तो ऐसा करेगा, लिक्विड है तो ऐसे बिहेव करेगा, गैस है तो ऐसा होगा. राइट, सो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसमें है, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में वी स्टडी वेदर द पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, they are continuous or they are discontinuous. Yes, can anybody tell me ki jo particles hain kisi bhi state mein, are they continuous or non-continuous? Ma'am, continuous. Continuous, okay, please sit. Sabhi mein continuous hota hai kya? Can anybody tell? Who is Khwaish? Yes, please. Can you tell me what is the physical nature of matter? Is it continuous or discontinuous? Discontinuous. Discontinuous. Okay. Can you give me any example showing that nature of matter is discontinuous? For example, sand on the beaches, ma'am, particles are just like them. I'm sorry. Can you please repeat it? Ma'am, for like sand on the beach, ma'am, particles okay. are just like okay. them. And we okay. can see that particles are particulate by mixing salt into water, and we see that salt disappears. Then from this conclusion, we can get that the particles of salt gets mixed with the particles of water. So how this proves the discontinuous nature of matter?
this continuous nature of matter, because as we know that particles have spaces between them called voids, the solid particles get mixed in them. Okay, please sit. Fine. So he says that the nature of particle that is discontinuous, and particles, they are, see, solid, liquid, gas, every matter is not like that. In solids, the particles are very closely packed. There is a very little distance between the particles. They are very closely packed. So it is not easy, or it is not possible, to mix anything in solid. But in liquids, you can mix, because the particle nature is bit discontinuous. You have gaps in between, and that salt particles can go in those spaces, those voids, and occupy that space. आपने नोटिस किया होगा, कभी आप एक ग्लास ऑफ वाटर आप लेते हो, उसमें आप सॉल्ट ऐड करते हो, क्या उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है? व्हाई हाँ नॉट? आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो वैसे देखा जाए तो आप चीज उसमें ऐड करो तो द वॉल्यूम शुड इंक्रीज. तो क्यों इंक्रीज नहीं होती वाटर की वॉल्यूम व्हेन यू ऐड सॉल्ट ऑन इट? बिकॉज इट गेट्स द सॉल्ट गेट्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वाटर और सॉल्ट गेट्स इनटू द स्पेसेस इनटू स्पेस. बिटवीन द वाटर. कैन यू डू द सेम थिंग विद सॉलिड्स? But because there are not spaces between them, as यस, you दिस इज द know. मेन डिफरेंस. सॉलिड, लिक्विड, गैस में मेन डिफरेंस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में है. सॉलिड में वो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, आप उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी पोजिशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कैन नॉट मूव. ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है, फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी, फ्लूइड्स किसको बोलते हैं? Who's Anmol Singh? Fluidity is the ability to flow. Ability to flow, yes. कौन फ्लो करता है उसमें? इसमें What thing flows? What are those called? मैम द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. Particles of the matter. ठीक है बेटा, very good. आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर. डिफ्यूजन का मतलब समझते हो? आई वुड लाइक टू आस्क अंबिका. हुज अंबिका? अंबिका, इज शी देयर? यस यस बेटा, डिफ्यूजन का मतलब समझते हो? मैम, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. कहाँ पर डिफ्यूजन यूज होता है आपकी डेली लाइफ में? ओके, पूजा करते हो रोज, अगरबत्ती जलाते हो, और कहाँ पर? मम्मा को कभी यूज करते देखा है? कभी कोई कोई और एग्जाम्पल, आपकी बुक से अलग कोई घर में आपने कुछ देखा हो जहां पर डिफ्यूजन होता हो? एनी बडी कैन आंसर, बट इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम बुक. जो आपने डिफ्यूजन आपने नोटिस किया हो, प्लीज मैम आज जो भी एग्जाम्पल देना चाहता है. शुगर हाँ जी, वाटर शुगर एंड वाटर. ओके, मैंने बोला जो भी, अच्छा ठीक है, हो सकता है बुक में नहीं है, तो और कोई और अच्छा सा एग्जाम्पल. कुकिंग मैम. कुकिंग ऑफ फूड, क्या बनाया है आज घर पे पता चल जाता है. जब यस मम्मा किचन किचन में राजमा चावल बना रही होती है तो खुशबू आ जाती है राजमा की, तो दैट इज डिफ्यूजन. और कोई एग्जाम्पल? परफ्यूम. मैम, परफ्यूम. कौन कौन लगाता है परफ्यूम? ओके, सो आप डिफ्यूजन मतलब रोज और भी चीजों में देखते हो. सो दिस वाज लाइक डेली लाइफ में. आप फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वर्ड सुना है? यस, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स. एनर्जी प्रोसेस्ड बाय पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. मूव करने की वजह से जो एनर्जी होगी पार्टिकल्स में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. इसका एग्जाम्पल दे सकते हो दो चीजों का, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इससे.
Who's going to answer? Please, mic dijiye. Mom, when hot food is kept, you can smell it from far away, whereas you cannot smell cold food. This shows that the matter in hot food are moving continuously at a high speed, whereas the matter in cold food are not moving at that speed. So we cannot smell it from a further distance. Okay. आपने एक और चीज बताई, आपने ये भी बताया साथ में कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है? या फिजिक्स में पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. हॉट फूड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स काफी एनर्जेटिक होंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा, हीट उसको मिलेगी, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से जंप करना शुरू करते हैं और ज्यादा स्पीड से आपकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है? इसीलिए आपको जल्दी से पता चल जाता है, अभी बन रहे हैं राजमा, गरम गरम बन रहे हैं, ठंडे अगर फ्रिज में रखे होंगे यू वोंट नो, ठीक है? कोल्ड फूड में वो मॉलिक्यूल इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे टेम्परेचर राइज करता है, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड दे रीच यू फास्टर बिकॉज दे मूव फास्टर, उनकी स्पीड ज्यादा है, राइट? सो आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. जैसे हमने बात की कि पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी, मैटर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, तो हम ऐसे बोलते हैं कि सॉलिड में दीज पार्टिकल्स आर क्लोजली स्पेस्ड, दे डोंट हैव गैप्स इन बिटवीन, राइट? लिक्विड्स में दे आर लूजली हेल्ड एंड गैसेस में वो और भी ज्यादा लूजली हेल्थ है, राइट? सो आप स्विमिंग कर पाते हो, स्विमिंग हो पाती है लिक्विड में. व्हाई इज नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड? बिकॉज आप उन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में उनमें गैप है, आप उनको मूव कर सकते हो साइड में, तो कैन स्विम इन वॉटर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड. वी कैन मूव इन दिस एयर, आपके पूरे रूम में एयर है. मैं अगर मूव कर पा रही हूं तो मैं इसलिए कर पा रही हूं कि मैं उन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है? तो सॉलिड लिक्विड गैस को अपनी पूरी जो भी आपकी डेली लाइफ में जो भी आप एक्टिविटीज करते हो उसमें हर चीज में क्लासिफाई करने की कोशिश करना कि हाँ जी ये सॉलिड है, हमने इसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मूव नहीं कर सकते. अभी जैसे आपके पास ये पेन है, आई कांट प्रेस इट. क्यों नहीं प्रेस कर सकती? क्योंकि जगह ही नहीं है इन एटम्स को और पास आने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर लिक्विड लिटिल बिट कंप्रेसिबिलिटी उसकी होती है, थोड़ा सा आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है, मैं उसको डिस्प्लेस तो एटलीस्ट कर सकती हूँ क्योंकि वो डिफ्यूज कर जाएगा आराम से. और गैस में तो बहुत इजीली ये डिफ्यूजन पॉसिबल है, इसलिए मुझे, आप लिक्विड में आप स्विम करोगे आपको जोर लगेगा थोड़ा सा उनको हटाने के लिए, बिकॉज उसमें थोड़ी अट्रैक्टिव फोर्सेस इससे ज्यादा हैं. सॉलिड में यू कैन डू दैट, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. सो लिक्विड में क्योंकि वो थोड़ी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, सो आपको थोड़ा जोर लगता है स्विम करने में, लेकिन एयर में आप इजीली, आपको जोर नहीं लगता चलने में, चल रहा है आराम से, साइड अपने आप गैस हट जाती है, लूजली हेल्ड है वो सारे मॉलिक्यूल्स, राइट? सो वी डिड अबाउट स्पेस, वी डिड अबाउट मूवमेंट, यस, पार्टिकल्स अट्रैक्ट, हमने ये भी किया. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, जैसे आपके पास अगर बलून है, आप उसको, बलून को प्रेस कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके घर में जहां पर गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में आप रख सकते हो? आई लास्क, रुको, हुज अवनी, अवनी ऋषि दे, अवनी मुझे बताएगी घर में गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में कहाँ है? हाँ, इन सिलेंडर इन सिलेंडर. क्या बोलते हैं सिलेंडर को? एलपीजी एलपीजी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अब इसका मतलब समझो, वो गैस है जिसको लिक्विफाई किया गया है, राइट? ऐसा होता है? आप कैसे गैस को लिक्विफाई कर सकते हो?
कोई मुझे बता सकता है गैस को लिक्विफाई कैसे किया जा सकता है? बाय अप्लाइंग प्रेशर। अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, मैंने गैस पे प्रेशर अप्लाई किया तो ऐसा क्या हुआ कि वो लिक्विड बन गई? व्हाट चेंज्ड इन इट? The बताओ। particles came very closer to it. पार्टिकल्स, The particles of gas came very closer to the next particle. यस। उससे क्या हुआ? उससे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि सॉलिड में तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं कि हम उनको मूव ही नहीं कर सकते, जगह भी नहीं है। लिक्विड में थोड़ी वीकर फोर्सेस हैं तो हम उनको मूव भी कर सकते हैं और स्पेस भी है उनके बीच में, और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस है। फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम थे, उनको हटाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी आपको सॉलिड को मेल्ट करना होता है तो आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो फोर्सेस है इनको तोड़ना पड़ता है उसमें। ठीक है, जैसे आइस को आपको अगर लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड में है ना आइस, अगर आपको उसको लिक्विड में चेंज करना है तो आप हीट करते हो या रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो अल्टीमेटली हीट लेगा। फ्रीज तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ होगा ना, तो वो अल्टीमेटली हीट अब्सॉर्ब करके हो जाता है। तो हीट से होगा क्या? हीट से ये सारे जो फोर्सेस है ना, इनके बॉन्ड्स बने होते हैं ऐसे, आपस में जुड़े होते हैं, तो ये फोर्सेस वीकन हो जाती है, टूट जाती है और ये अलग अलग हो जाएंगे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये तो सॉलिड टू लिक्विड हो गया जब मैंने आइस से वाटर बनाया, मगर जब मुझे गैस को सिलेंडर में फिल करना है, अब ये पूरे रूम की गैस, अब इतना बड़ा सिलेंडर थोड़े ना मैं घर में रखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, इस गैस को कंप्रेस कर दूंगी, प्रेशर लगा के एक पूरी एक ही छोटे से सिलेंडर में, 15 kg उस पर लिखा होता है, उस सिलेंडर में पूरा मैं उसको कंप्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे कम क्लोजर। फोर्सेस में क्या फर्क आएगा? जब दूर थे तो वीक फोर्सेस थी, लेकिन जब पास आ गए तो फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो गई। राइट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने एक्टिविटीज की होगी स्कूल में, यस। ओके, सो हम एक्टिविटीज करते हैं थोड़ी सी। तो एक्टिविटीज में जैसे हमने बात की, हमने सॉल्ट ऐड किया था वाटर में, तो व्हेन वी एडेड सॉल्ट इन वाटर, मैंने कहा कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती, तो दिस शोज कि यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो अभी हमने ड्रॉ किए थे उसके बीच में गैप था, उन गैप्स के बीच में ये सॉल्ट के पार्टिकल्स आप एडजस्ट हो गए। ठीक है, लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं, आप जितना मर्जी सॉल्ट ऐड कर दो ये वॉल्यूम सेम ही रहेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब तक ये गैप्स फिल होते हैं तब तक तो ठीक है, ये वॉल्यूम आपकी सेम रहेगी, लेकिन आफ्टर दैट, यस आफ्टर दैट दिस वॉल्यूम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। राइट, आपने 1 स्पून इसमें फिल किया तब तक तो ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट ये वॉल्यूम इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना गैप अवेलेबल है उसी को फिल किया जा सकता है। राइट, देन सेकेंड एक्टिविटी में, यस सेकेंड एक्टिविटी में KMnO4 की क्रिस्टल्स को ऐड किया गया। So, हम इस एक्टिविटी में क्या प्रूव करते हैं कि KMnO4 की एक क्रिस्टल मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बनी है। ठीक है, हमें दिखने में वो एक क्रिस्टल लगती है, मगर हम ये बताते हैं कि वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बनी है। मैं आपको इसका छोटा सा एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ये जो KMnO4 होता है ये डिसइनफेक्टेंट होता है। ठीक है, सो आई आस्क माई ब्रदर की गो एंड प्लीज ब्रिंग सम डिसइनफेक्टेंट, मुझे वाटर की जो टैंक है उसमें डालना है। तो मैंने अपनी तरफ से क्लोरीन बोला था, पर मैंने सिर्फ एक डिसइनफेक्टेंट वर्ड यूज किया। वो केमिस्ट के पास जाके डिसइनफेक्टेंट मांगा, उसने उसको KMnO4 की क्रिस्टल्स दे दी।
ठीक है। और वो केमेनो फोर की क्रिस्टल्स लेके आया। आई वॉज बिजी डूइंग समथिंग, ही सेड कि मैं लेके आया हूँ डिसइंफेक्टेंट। मैंने कहा ठीक है डाल दो, आप टैंक में जाके ऊपर डाल दो। और उसने वो सारी केएमएनओ फोर की क्रिस्टल्स, इतना पैकेट होता है छोटा सा जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20-25 क्रिस्टल्स तो होंगी, उसने वो वाटर टैंक में डाल दी। ठीक है, और वो क्या हुआ होगा आप सोच सकते हो, व्हाट वुड हैव हैपेंड जब टैंक में मेरे ब्रदर ने वो केएमएनओ फोर की क्रिस्टल्स डाल दी तो? यस प्लीज एनीबडी, हाँ जी प्लीज किसी के पास माइक दीजिए मैम। हम कलर चेंज, कलर चेंज, तो एक्चुअली 4 दिन तक हम पिंक कलर का वाटर ही यूज करते रहे, लेकिन जो फर्स्ट डे था वो काफी डीप कलर्ड, ठीक है, पर्पल सा कलर क्योंकि बहुत सारी क्रिस्टल्स थी। ठीक है, सेकेंड डे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हमने ड्रेन किया, अब इतना पानी हम वेस्ट तो कर नहीं सकते। तो सेकेंड डे व्हाट हैपेंड, इसका पानी थोड़ा सा, इसका कलर में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, थर्ड डे वो थोड़ा सा और बेटर हुआ। मतलब 4 दिन हमने व्हाइट क्लोथ्स तो नहीं धोए कि कहीं डाई ना हो जाएंगे, ठीक है, बस फिल्टर करके पानी पीते थे, फिल्टर से ही बाकी सारी चीजें करते थे। तो इट टुक 4 to 5 days कि वो पूरा पानी क्लियर हो सके। अब व्हाट डज दिस प्रूव, वो क्यों 5 दिन तक वो पानी पिंक रहा? क्योंकि उन क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो थोड़ा थोड़ा तो वो ड्रेन होता था जितना हम यूज करते थे, लेकिन वो पार्टिकल्स फिर भी थे, फिर भी थे, फिर भी थे, धीरे धीरे कम होते गए। जितना हम पानी यूज करते गए उतना वो कम होते गए, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा क्योंकि उन मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को खत्म होने में टाइम लगना था। तो दिस प्रूव्स कि पार्टिकल जो सॉलिड में है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है कि जी एक क्रिस्टल चलो जी खत्म हो गई, नहीं, वो बिखर गए पानी में, पूरा डिजोल्व हो गए, और इसीलिए इतना टाइम लगा उन पार्टिकल्स को खत्म होने में। ठीक है, और इसीलिए हमें 4 दिन तक पिंक वाटर ही यूज करना पड़ा। ठीक है, सो दिस वाज सेकंड एक्टिविटी। देन थर्ड एक्टिविटी, इसका एग्जांपल भी एक स्टूडेंट ने दिया था, दिस इंसेंस स्टिक, आपको खुशबू आ जाती है, परफ्यूम की भी आ जाती है, अगरबत्ती की भी आ जाती है, खाने की भी आ जाती है। तो हमने इसकी ये भी बात की कि आप काइनेटिक एनर्जी की बात की, हमने टेम्परेचर की बात की, इसमें भी आपको इसको इग्नाइट करना पड़ता है, टेम्परेचर इसका हाई रहता है इसीलिए ये डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा जल्दी मूव कर पाते हैं क्योंकि उनके, मैंने आपको बताया, फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो वो जल्दी से मूव करके आप तक ट्रेवल कर पाते हैं। देन एज फोर्थ एक्टिविटी, यस, इस एक्टिविटी में आपने क्या किया, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर अगेन लेके आप डालोगे उसमें हनी, तभी आपने पिया होगा हनी वाटर में डाल के, या देखा होगा घर में कोई पीता होगा, और आप इसमें डालते हो इंक। अगर एटलीस्ट इंक आप आजकल तो जेल पेन एंड पायलट पेन आप यूज करते हो, हम इंक पेन भी यूज करते थे, तो अगर इंक नहीं यूज किया घर में कभी व्हाइट क्लोथ्स को, मम्मा ने उजाला डाला होगा, आप कभी डाल के देखना अगर घर पे उजाला है तो, वो एक बूंद उसमें डालोगे पूरा बिखर जाता है। कभी किया है ट्राई? कपड़े तो कभी नहीं धोएंगे आई गेस, वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक है ना, उसी में सब कुछ हो जाता है, बट यू शुड ट्राई अगर घर पे उजाला है, इंक पेन नहीं भी है तो उजाला होगा, तो आप एक बार डाल के देखना, जैसे ही आप डालोगे वो उजाला पूरे पानी को ब्लू कर देता है। ठीक है, उजाला ही उजाला हो जाता है पूरी बाल्टी में, राइट? लेकिन ये आप हनी जब ऐड करोगे वो ड्रॉप ऑफ हनी उसमें जाएगा, यू हैव टू स्टर इट यूजिंग अ स्पून। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है हनी में कि वो अपने आप आराम से, वो आपको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट है ना वो हनी में, आपको इंस्टेंट एनर्जी आपको उससे मिलती है। ठीक है, लेकिन उसके पास खुद काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसको आपको देनी पड़ती है, चलो डिजोल्व हो जाओ। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हनी के जो पार्टिकल्स हैं दे आर मोर क्लोजली, दे हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, उन फोर्सेस को आपको तोड़ना पड़ता है, चलो डिजोल्व हो जाओ। लेकिन जो उजाला है आप उसके टेक्सचर से भी देख सकते हो, हनी थोड़ा थिक सा दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन जो इंक है, डाइज है, ये थोड़ी
ज्यादा फ्लोई होंगी, ठीक है, वो थिकनेस उनकी टेक्सचर में ही आपको पता चल जाए कि हाँ जी ये वाले स्ट्रॉन्गर फोर्सेस वाले होंगे, ये वीकर फोर्सेस वाले होंगे। तो दिस डिस्टिंग्विश इज कि दो लिक्विड्स भी जरूरी नहीं है कि सेम ही नेचर के होंगे, किसी के पार्टिकल स्ट्रॉन्गली हेल्ड हो सकते हैं, किसी के लूजली हेल्ड हो सकते हैं तो दोनों लिक्विड, ठीक है। तो दिस टेल्स यू अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड्स में भी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है फोर्सेस की, अलग अलग लिक्विड्स में कोई जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, कोई लेट डिजोल्व होगा, ठीक है। किसी को स्पून से स्टर करना पड़ेगा, किसी को डालते ही आप देखोगे कि पूरी बकेट में पूरा फैल जाएगा, राइट। सो दिस वाज योर फोर्थ एक्टिविटी। यस, फिफ्थ इज कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल अगर आप डिजोल्व करोगे। अब क्रिस्टल है, कभी भी कोई क्रिस्टल, एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन मैम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैम, उनका डिसॉल्व होने का टाइम उनकी डेंसिटी पे मैटर करता है। हाँ बेटा, तो डेंसिटी इज एक्चुअली देयर फोर्सेस, द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, द पार्टिकल्स। जो ज्यादा डेंस है दैट मींस इट हैज स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल हो आपके पास, जैसे KMnO4 की भी हमने बात की, या आप शुगर ही ले लो, आपको नींबू पानी बनाना है, अगर आप चिल्ड वाटर, मुझे ठंडा नींबू पानी पीना है, अगर आप चिल्ड वाटर में शुगर क्रिस्टल्स को डिजोल्व करोगे, इट विल टेक टाइम। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर शुगर को आप कम टेम्परेचर दोगे, चिल्ड वाटर में आप डिजोल्व हो, वो नहीं पसंद करेगी, मूव नहीं करेगी, आपने उसको एनर्जी नहीं दी, कैसे मूव करेंगे उसके पार्टिकल्स डिसॉल्व होने के लिए। जैसे ही आप उसको हीट करते हो, आप उसको एनर्जी देते हो कि चलो अब डिसॉल्व हो जाओ। तो आप करके देखना, ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में यू ऐड शुगर एंड ट्राई टू डिसॉल्व इट, और गर्म पानी में यू ऐड शुगर एंड डिसॉल्व इट। आप नोटिस करोगे गर्म पानी में वो जल्दी डिसॉल्व होगी। तो डिसॉल्व तो होगी ही, ऐसे आपको ज्यादा स्टर करना पड़ेगा, ऐसे गर्म पानी में थोड़ी देर चीनी को रख दोगे, वो अपने आप लूज हो जाते हैं पार्टिकल्स, उनको एनर्जी मिल जाती है उस हॉट वाटर के टेम्परेचर से, और वो लूजन डाउन हो जाए और इजीली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम आपने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल के लिए पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। Then is इनकी अरेंजमेंट, वी डिड अबाउट इट, सॉलिड में क्लोज रैंडम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लिक्विड में हनी और उजाला का एग्जाम्पल दिया, सेम वैसे ही सॉलिड में देखो, सॉलिड में भी हर चीज की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, ठीक है। अब जैसे ये पेन है, तो इसमें तो सॉलिड के पार्टिकल्स पूरा स्ट्रांगली हेल्ड है, मगर अगर मेरे पास रबर बैंड है, सकते हैं इनके बीच में लिंकेजेस होते हैं, क्रॉस लिंक्स होते हैं, ये पॉलीमर्स हम इनको बोलते हैं। जैसे आपने सुना ना पॉलीथीन, पॉली बैग्स, तो पॉली वर्ड इज फॉर पॉलीमर, तो वैसे ही रबर एक पॉलीमर है, मगर उनकी जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, थोड़ी इलास्टिक फोर्सेस हम उनको बोलते हैं, स्ट्रेच भी हो सकता है, वापस मिलता है, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो, दो सॉलिड्स हमने बात की, दोनों की स्ट्रेंथ और फोर्सेस अलग हैं। और ले लीजिए चॉक है आपके पास, आप उसको क्रश भी, आपस में ज्वाइन है, विच कैन बी इजिली क्रश्ड, ठीक है। तो तीन सॉलिड्स हमने बात की, सबकी स्ट्रेंथ और फोर्सेस डिफरेंट हैं, सबके पार्टिकल्स की डिफरेंट फोर्सेस की वजह से उनके थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाए। सॉलिड लिक्विड गैस आपको दिखाया है इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, जो भी एटम्स इनमें प्रेजेंट हैं, दे कीप ऑन मूविंग, ठीक है। सॉलिड में सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइडेड है, ओके, ओपन द असाइनमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड इन टू एयर? यस, कैन यू गिव मी द आंसर? यस प्लीज, अशौर्य, इंक्रीज ओके, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, डिड यू से इंक्रीज इन प्रेशर? पार्डन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन से स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर? एयर, हाँ प्रेशर जी, इज इट इंक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज? यस, डिक्रीज इन प्रेशर, गुड, प्लीज सिट।
So, second question, I would like to ask Japnur Singh. Who's Japnur? Okay, second question says, as the solid melts to form liquid, what happens? Interparticle forces of attraction decrease, or gravity increases, or all the above? What happens when solid melts? Of the particle increases. Interparticle forces? What? Sorry, which option did you choose? A, B, C, D. All of these. All of these, because बिल्कुल इंटरपार्टिकल फोर्सेस भी कम होंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना, जो आज आउट सो आप नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रखना. ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. आई टेक अप द डाउट्स फर्स्ट और उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, होप यू एंजॉयड द क्लास.